गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एयर। एयर मतलब हवा, वायु। वायु हमारे आसपास है, हर जगह है। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। हम बिना सांस लिए थोड़ी देर के लिए भी जी नहीं सकते। अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल होना, पानी गिरना, बारिश होना, सीड यहाँ से वहाँ जाना, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एयर के बिना, मतलब कि वायु के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ के लिस्ट बनाने की कोशिश करिएगा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो एयर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों, अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी ने पढ़ा था कि एयर एक मिक्सचर है। अब हम देखेंगे कि एयर के मेन कंपोनेंट्स क्या है। एयर के मेन कंपोनेंट्स देखेंगे। एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, N2 लिखते हैं जिसे, 21% ऑक्सीजन होता है जिसे हम O2 लिखते हैं, और 0.9% एर्गन होता है जिसे हम AR लिखते हैं, और 0.04% वाटर वेपर होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बाकी है वो सल्फर डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ओजोन लेयर अर्थ सरफेस के ऊपर पाया जाता है, अबाउट 16-23 किलोमीटर ऊपर वाले डिस्टेंस में। तो ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स होते हैं वो जब मिलते हैं तो ओजोन एयर बन, ओजोन मॉलिक्यूल बनता है। और ये जो लेयर होता है ओजोन लेयर, वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सनलाइट को ब्लॉक करता है। सनलाइट को नहीं, सन के हार्मफुल रेस को, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, उन्हें ब्लॉक करता है। और इसी तरह ओजोन लेयर हमारी रक्षा करता है अल्ट्रावायलेट रेस से, और हमें बचाता है स्किन कैंसर होने से। अब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। हम सभी को ये नॉलेज है, हमने एक्सपीरियंस भी किया है कि ऑक्सीजन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। वो एक लाइफ गिविंग गैस है, मतलब कि वो ऐसा गैस है जिससे हमें लाइफ मिलती है, हमारा जीवन चलता है। अभी हम उसके प्रिपरेशन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर करते हैं ये देखेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। ये एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ये एक्टिविटी हमेशा आता है और डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। तो देखते हैं एक्टिविटी। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, हीटिंग अपरेटस गर्म करने के लिए चाहिए, और मोटा टेस्ट ट्यूब चाहिए ग्लास का, रबर का भी ट्यूब चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, ट्रफ चाहिए मतलब कि टब, कॉर्क, कॉटन और पोटेशियम पर मैग्नेट चाहिए। अब इसके लिए हमें 2-3 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट चाहिए एक मोटे टेस्ट ट्यूब में, ग्लास के मोटे टेस्ट ट्यूब में। और उसके बाद जैसे फिगर में अरेंज किया गया है सब चीज़, हमें वैसे अरेंज करना है। और अब हमें टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है। उसके बाद जो गैस निकलेगा उसे हमें टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है, जिसमें पानी भी भरा होगा, और हमें इसे उल्टा रखना है। अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब में पानी भरेंगे और उसके बाद उसका जो माउथ है उसके ऊपर का भाग बंद करके उसे उल्टा रख देंगे टब में, जिसमें पानी भरे रहेगा। हमें ये देखना है कि जब हम उल्टा करके रखेंगे तो फिर उसमें से पानी कहीं जाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी पानी निकलना नहीं चाहिए। अब जब टेस्ट ट्यूब में गैस भरा हुआ है, गैस को हम इधर उधर जाने देते हैं, एस्केप होने देते हैं, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हम वैसे ही छोड़ देंगे। हम उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इस गैस में कुछ एयर भी है। अब हम लिबरेटेड एयर, मतलब कि जो फ्री एयर जो एटमॉस्फेयर में होता है, उसे टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें कॉर्क लगाएंगे। कॉर्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा लगाकर उसे बंद करेंगे, और ये जो गैस है इसी को हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसे हमने अभी अभी कलेक्ट किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पिक्चर में नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बना, पोटेशियम मैग्नेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन करके पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट बना। तो बच्चों, अब हम डायग्राम की मदद से एक्टिविटी को समझेंगे। ये वो टेस्ट ट्यूब है जिसे हमने उल्टा किया था और जिसमें एयर भरा था, इसमें पानी भी भरा रहेगा। ये टब है, टब के अंदर पानी है,
और पानी के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया है। और ये है हमारा एपरेटस, इसमें यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, मोटा टेस्ट ट्यूब ग्लास का, और यहाँ पर मोमबत्ती है, इसके अंदर 2-3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट है, और ये वाला जो टब है ये यहाँ पर है, और इसमें सेम टेस्ट ट्यूब को उल्टा किया गया है, और ये जो रबर की नली है ये इससे कनेक्टेड है। हम इसे हीट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, फिर जो भी गैस कलेक्टेड होगा वो इस रबर की नली से इसके अंदर पहुंच जाएगा और यहाँ पर गैस कलेक्ट हो जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस कलेक्ट हो जाएगा। अब बाद में इस टेस्ट ट्यूब में बनने वाली गैस को हम कलेक्ट करेंगे और उसमें कॉर्क लगा देंगे और इसके अंदर ही ऑक्सीजन होगा। पर बच्चों, इस एक्टिविटी को करते टाइम हमें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, जिसे हम इंग्लिश में प्रिकॉशंस कहते हैं। तो ये सावधानियां क्या है आइए देखते हैं। जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन बनाएंगे, एक कॉटन का प्लग हमेशा होना चाहिए वो हार्ड वाले टेस्ट ट्यूब में, और वही हार्ड वाले टेस्ट ट्यूब को हमेशा हमें शेक करते रहना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए, नहीं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो उछलकर ऊपर आ जाता है, और वो उछलकर उस टेस्ट ट्यूब में आ जाता है जिसमें हमें ऑक्सीजन को कलेक्ट करना रहता है। तो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग, एक्टिविटीज विद डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज लर्न दैट। थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।